हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दरभंगा में आज गुरुवार को मिले कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मरीज, इनमें एक दरभंगा सदर इलाके का जबकि 5 मरीज कुशेश्वर स्थान पूर्वी क्षेत्र के। बिहार में आज कुल 250 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं कोरोना के। बिहार का आंकड़ा मरीजों का 5,948 पर पहुंच गया। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को रिपोर्ट जारी की गई है उसमें पहली रिपोर्ट में कुल 109 नए पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इसमें नवादा में 1, बेगूसराय में 3, पूर्णिया में 2, सीवान में 23, जमुई में 2, औरंगाबाद में 2, भागलपुर में 4, बक्सर में 2, कटिहार में 4, लखीसराय में 1, किशनगंज में 3, गया में 2, सारण में 5, दरभंगा में 1, भोजपुर में 9, कैमूर में 10, मधेपुरा में 16, रोहतास में 6, शेखपुरा में 3, समस्तीपुर में 3, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सहरसा में 1-1, जहानाबाद में 2। कुल 109 नए मरीजों की जानकारी पहली रिपोर्ट में दी गई है जबकि दूसरी रिपोर्ट में कुल 141 नए पॉजिटिव केस की सूचना दी गई है। इनमें सहरसा में 3, खगड़िया में 1, बेगूसराय में 5, किशनगंज में 1, पटना में 3, रोहतास में 1, औरंगाबाद में 17, सीवान में 37, अरवल में 1, नालंदा में 2, गोपालगंज में 7, दरभंगा में 5, भागलपुर में 6, सारण में 3, गया में 2, खगड़िया में 6, मुंगेर में 36, नवादा में 4 और लखीसराय में 1 मरीज शामिल हैं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 5,948 पर पहुंच गया है। हालांकि संकट काल के बीच अच्छी खबर यह है कि पहली बार देश भर में कोरोना मरीज से ज़्यादा संख्या कोरोना से ठीक होने वालों की है। बिहार के लिए भी यह अच्छी खबर है। बिहार में भी 51.49% मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बिहार में अब तक 2,934 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं।